देश सप्तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से सामने आ रही है, जहां पर एक युवक पर गोलियों से वार कर उसकी हत्या कर दी गई है। जी बता दें कि गोहाना के गांव खानपुर कला में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय वह अपने साथियों के साथ बाइक से घर आ रहा था। हमलावर बाइक पर थे और तीन गोलियां मारकर मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान अनिल के तौर पर हुई है। वह खेतीबाड़ी के साथ साथ दूध डेयरी भी चलाता था। वारदात को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गांव खानपुर कला निवासी अनिल बीती रात खेत से घर आ रहा था। रास्ते में वह चौपाल के पास अपने दोस्तों के साथ बाइक पर आ रहा था। अनिल सबसे पीछे बैठा था। उसी दौरान बाइक पर आए युवक ने पीछे से उस पर गोलियों चला दी। अनिल की तीन गोलियां लगी हैं। इससे पहले भी बाइक पर उसके साथ बैठे प्रदीप और गौतम संभल पाते, हमलावर मौके से भाग खड़े हो जाते हैं। खानपुर में एक के बाद एक कई गोलियां चलने से हड़कंप भी मच गया है। ग्रामीण घरों से बाहर निकले, उस दौरान गोलियां लगने से मृतक अनिल बाइक के नीचे गिरा था। ग्रामीणों ने संभाला तो उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल जो पुलिस है जांच कर रही है और लगातार जो है पुलिस की जो है जांच जो है तेज कर दी गई है, और लगातार जो है सोनीपत जिले में जो हत्याएं की वारदात हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ताज़ा मामला जो है खानपुर कला से सामने आया है, जहां पर एक युवक पर तीन गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। और हत्या के बाद जो है गाँव में सनसनी भी फैल चुकी है। और देख सकते हैं जहां पर खानपुर कला PGI में जो है आज अनिल का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जांच तेज कर दी गई है और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित कर दी गई है। और पुलिस ने कहा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आपसे अपील रहेगी कि देश अब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैसे क्या हुआ है, कौन है भाई? पता नहीं, रात को हुआ है 10:30-11 बजे की बात बताओ है। अभी इस चीज का कोई पता नहीं लग लिया, किसने किया है, कैसे क्यों किया है, अभी तक कोई पता नहीं इस चीज का। तो अभी कंप्लेंट दे दी? हाँ, कंप्लेंट अभी पोस्टमार्टम होगा, ये महकमा रहा है पुलिस महकमा, और ये पोस्टमार्टम होगा। हाँ, कंप्लेंट तो अब ये आ रहा है, इनका घर फोन पर लिखवाओगे कंप्लेंट। दो गोलियां भी अभी पूरा पता नहीं लगा है, तीन लग रही हैं, दो लग रही हैं, तीन चार बताओ थे, तो अब तक कोई पता नहीं लगा। अभी लगेगा पता, सब जब इनके घर के आए हैं। मैं कमाया है, क्या करता था? मृतक का नाम तो अनिल, हाँ अनिल होगा, खेती बाड़ी करा था। कितनी उम्र थी? उम्र तो होगी उसकी 25-26-27 साल होगी, 27-28 ज्यादा, हाँ होगी 32-33 साल। तो मैरिड था ये? मैरिड है, मैरिड था। क्या हुआ है? ये जी मेरा भाई था छोटा, और कल रात लगभग 10:45 बजे की बात है। ये हमारे घर से थोड़ा ही दूर था, 300-400 मीटर सांसिया वाली चौपाल है, वहां पर था ये, अपने दो दोस्त थे इसके, उनके साथ ये खड़ा हुआ खेत से आ रहा था। मैंने इसको कहा भैया जा कर बड़ा चलाऊ हूँ मैं थोड़ा ये लकड़ा था, इतने मैंने गुड़ी की आवाज चलनी सुनाई थी। मैं वापस गया तो मेरे साइड से एक बाइक वाला गया तेज रफ्तार से, गुड़ी की आवाज सुनने के बाद जैसे वापस गया ना तो बाइक वाला गया, मैं मौके पहुंचा तो मेरे भाई को गोली मारी हुई थी। उसके दो दोस्त थे, उन्होंने बताया कि बाइक वाला भी गोली मार के निकला ना, इसके दो दोस्त थे गोली मारने वाला, जो बाइक पर था जो वो अकेला बताया जा रहा। हाँ, हाँ जी पुलिस कंप्लेंट कर दी। तो बाइक का क्या नाम था? बाइक का नाम अनिल है जी, सनोवरण देर, जाति जाट, गांव कानपुर कला। किसी से कोई दुश्मनी नहीं जी? फिलहाल कोई हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं थी। अभी तक तो नहीं पता चला जी, रात का मामला था, पुलिस अपनी छानबीन करे देखो क्या होता। थाना सदर गोहाना में डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि गांव खानपुर में एक व्यक्ति को गोली मार दी। जिस सूचना पर पुलिस टीम मौका पर पहुंची तो गांव का ही अनिल मृत अवस्था में गांव की चौपाल के पास मिला।
जहाँ पर उसके भाई सुनील ने किसी अज्ञात व्यक्ति जो अपने मुंह पर पीले रंग का कपड़ा लपेटे हुए था उसके द्वारा अपने भाई की गोली मारकर हत्या होने बतलाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले में तफ्तीश जारी है।